हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आप जो है मैकबुक में और मैक ओएस में जो है नॉक्स प्लेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप जो है कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर मैकबुक में सफारी ब्राउज़र को जो है ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पर गूगल के सर्च बार में टाइप करना है नॉक्स प्लेयर डाउनलोड फॉर पीसी। उसके बाद आप जो है यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए। फिर आपको जो है यहाँ पर स्क्रॉल करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको डाउनलोड मैक वर्जन आपको शो हो रहा है, तो आप जो है यहाँ पर इसको क्लिक कर इसको डाउनलोड कीजिए आपके पास यहाँ पर। उसके बाद अलाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉक्स प्लेयर यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। तो ये जो है 700 MB का है, तो आप इसको जो है डाउनलोड होने तक थोड़ा सा वेट कीजिए। और ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास कितनी देर में डाउनलोड हो जाएगा, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉक्स प्लेयर यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। उसके बाद आप जो है इसको यहाँ पर क्लिक कर ओपन कीजिए। तो अब मैं यहाँ पर इस ब्राउज़र को जो है क्लोज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आपने जिस भी लोकेशन पर नॉक्स प्लेयर को डाउनलोड किया था, आप उसको जो है ओपन कीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में जो है नॉक्स प्लेयर जो है डाउनलोड हो गया है। तो अभी इसको डबल क्लिक कर इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉक्स प्लेयर यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पर नॉक्स प्लेयर ओपन हो गया है। फिर आपको यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर इस बॉक्स में चेक कीजिए यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद आप इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉक्स प्लेयर यहाँ पर ओपन हो गया है। फिर आप थोड़ा सा वेट कीजिए ये प्रोसेस 100% कम्प्लीट होने तक। उसके बाद आपके पास नॉक्स प्लेयर जो है ओपन हो जाएगा। फिर आप जो है नॉक्स प्लेयर ओपन होने के बाद प्ले स्टोर में जो है लॉगिन कर कोई भी गेम को जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप इस तरीके से नॉक्स प्लेयर इंस्टॉल कर सकते हैं मैकबुक में एंड मैक ओएस में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।